Hey friends, this is RJ Rahul and you are listening to your favorite show Gadget Cafe only on Radio Udaan, a flight of life. Let's explore. Friends, आज हम अपने शो में सबसे पहले बात करेंगे JBL के E45 ब्लूटूथ हेडफोन्स की। बहुत ही हाई क्वालिटी के हेडफोन्स हैं और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी ब्लूटूथ हेडफोन्स के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शो में हम एक ब्लूटूथ हेडफोन ही रिव्यू करें। तो चलिए बात करते हैं JBL E45 के बारे में। बात करें अगर हम इन हेडफोन्स की, तो इसके साथ आपको एक्सेसरीज में एक USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल मिलती है और साथ ही साथ एक मिलती है ऑडियो केबल। अगर आप ब्लूटूथ को यूज नहीं करना चाहते हैं या बैटरी आपके हेडफोन्स की लो है, तो आप इस ऑडियो केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हेडफोन्स को और अपने डिवाइस को और म्यूजिक का या कुछ भी जो आप सुन रहे हो उसका मजा ले सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस ऑडियो केबल में आपको इन वायर कंट्रोलर भी मिलता है। दोनों ही केबल्स बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं और जो हेडफोन्स हैं वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी के मिलते हैं। जो इनका प्राइस है वो है 5,500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, कुछ ऑफर्स आपको मिल जाए तो शायद और भी सस्ते मिल जाएंगे आपको ये हेडफोन्स। क्योंकि ये ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं तो इनकी बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो एक बारी चार्ज होने पर ये 16 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं और ये 2 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। JBL E45 BT ब्लूटूथ हेडफोन्स ऑन ईयर हेडफोन्स हैं और जो इनके ईयर कप्स हैं वो काफी हाई क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको। ईयर कप्स पे मैट फिनिश आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ JBL का लोगो भी मिल जाएगा आपको। और जो इन ईयर कप्स पर सर्कुलर पैटर्न में टेक्सचर दिया गया है काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है इन हेडफोन्स को। साथ ही साथ जो इसका हेडरेस्ट है वो काफी कंफर्टेबल है, फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हेड के साइज से। आप चाहे तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और या फिर इसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ईयर कप्स का जो साइज है वो काफी ठीक ठाक है और ऑलमोस्ट पूरे ईयर को ही कवर कर लेता है। और साथ ही साथ अगर आप हेडफोन्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो ईयर कप्स को आप फोल्ड करके पैक कर सकते हैं उसके डिब्बे में। जो दोनों ही ईयर कप्स हैं उन पर आपको लेफ्ट और राइट ईयर की मार्किंग मिल जाती है। आर्टिफिशियल लेदर से बने हुए हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के लगते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल आपको ये फील होंगे। लेफ्ट ईयर कप में आपको USB पोर्ट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही साथ राइट ईयर कप में आपको कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे। 3 बटन्स इस ईयर कप पर दिए गए हैं। एक यूज होता है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, दूसरा यूज होता है वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए और तीसरा यूज होता है ऑन ऑफ के लिए। साथ ही साथ इसी में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है ताकि आप अपनी फोन कॉल्स को रिसीव कर सकें। और साथ ही साथ इसी राइट ईयर कप में आपको ऑडियो जैक भी मिल जाएगा ताकि अगर हेडफोन्स की बैटरी लो हो जाए तो आप इसको वायर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके साथ आपको एक ऑडियो केबल भी मिलता है। जब पहली बार आप इस हेडफोन्स को ऑन करेंगे तब आपको इसको अपने फोन के साथ पेयरिंग करने की जरूरत पड़ेगी और बहुत ही इजीली पेयर्ड हो जाते हैं ये आपके फोन के साथ। और साथ ही साथ जब आप इसको ऑन करेंगे इसमें आपको एक LED लाइट भी जलती हुई दिखाई देगी। अगर बात करें हम इसकी कंफर्टेबिलिटी की तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लाइट वेट है और काफी स्लीक डिजाइन है इस हेडफोन्स का। और जो ईयर कप्स में कुशन मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है और इसी वजह से ज्यादा देर तक इन हेडफोन्स को यूज करने पर आपके कानों में कोई दर्द नहीं होगा। साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 40mm ड्राइवर्स का यूज किया गया है इन हेडफोन्स में और बेस जो है इसका काफी रिच और पावरफुल है। मिड्स और हाईज भी काफी बढ़िया तरीके से आपको इसमें सुनाई देंगे। साउंड क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो आपको तभी पता चल जाएगा जब आप इन हेडफोन्स को यूज करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे अपने पुराने वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स और JBL की E45 BT हेडफोन्स के बीच। इनबिल्ट माइक्रोफोन भी आपको इस हेडफोन्स में मिल जाएगा कॉल रिसीव करने के लिए और साथ ही साथ
माइक्रोफोन में ही इनबिल्ट बैटरी है जिसे आप 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 2 घंटे चार्ज होने के बाद ये हेडफोन्स आपको 16 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे। तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको इस हेडफोन्स में मिल जाएगा। और अगर हम माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफी हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन इसमें दिए गए हैं। अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो JBL इस फील्ड में काफी जाना माना नाम है और काफी रेनाउंड ब्रांड है ये। आप सभी ने कभी ना कभी JBL का नाम जरूर सुना होगा। और ये जो हेडफोन्स हैं काफी हाई क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन्स हैं ये, और काफी प्रीमियम साउंड क्वालिटी के साथ भी आते हैं। जो इसका प्राइस है वो अराउंड 5,500 है। 4 कलर्स में आपको ये हेडफोन्स मिल जाएंगे और अमेजोन पर आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये अमेजोन पर अवेलेबल है तो ऑनलाइन आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगी, तो हो सकता है कि ये आपको कुछ कम प्राइस पर भी मिल जाएंगे। तो गाइस ये था रिव्यू JBL E45 BT हेडफोन्स का। मेरी तरफ से है इन हेडफोन्स को पिक, और इसी के साथ वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और। No matter you are disabled or non-disabled, if you are in search of a life partner or a friend, here is an opportunity for you. वो कैसे? वो ऐसे, आपको सिर्फ डाउनलोड करना होगा इनक्लब, एन इंक्लूसिव ऐप जो मिलाती है आपको आपके मन चाहे जीवन साथी से। My name is Tanya. I suffer from complete blindness in both my eyes. I made my profile on इनक्लब ऐप after hearing about it on radio channel. Thanks to इनक्लब ऐप I have met new people and I have been able to find life partner for myself. मेरा नाम विशाल है। मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। मुझे और मेरे परिवार वालों को मेरे लिए लड़की ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे रेडियो उड़ान से इनक्लब ऐप के बारे में पता चला और मुझे मिला मेरा मनचाहा जीवन साथी। थैंक्स टू इनक्लब एंड रेडियो उड़ान। तो इंतजार किस बात का, आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.inclub.com और यू कैन कॉल टू 8208584524। हैप्पी मैच मेकिंग।
क्या वो पहले से ही कम था जैसा कांड कर गई और ऊपर से हरे नोटों की डिमांड कर गई घर की बाहों में रात काली कर गई और जाते जाते तेरी तिजोरी काली कर गई बेवफा ब्यूटी हाय चीटिंग कर गई My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ इट्स टाइम फॉर अ चेंज आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life.
after this musical break, और अब बात करेंगे हम एक और bezel-less beauty की। आजकल फोन्स का तो ट्रेंड चल ही रहा है bezel-less होने का, बट अब धीरे धीरे लैपटॉप भी bezel-less होते जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डेल XPS 13 की, जो कि एक bezel-less डिस्प्ले के साथ आता है। आप लोग जानकर बहुत ही सरप्राइज होंगे, तो इसका डिस्प्ले है वो 13.3 इंचेस का 4K डिस्प्ले मिलता है आपको इस लैपटॉप में। यस, 4K डिस्प्ले मिलता है आपको इस लैपटॉप में, यानी कि 3840x2160 pixels। और ये सब आपको मिलता है टाइनी से 13.3 इंचेस के डिस्प्ले साइज में। बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन कह लीजिए, या इसे कह लीजिए डेल की जबरदस्त एफर्ट। डेल एक्सएस 13 में जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, और आज तक के लैपटॉप्स में से मोस्ट इम्प्रेसिव डिस्प्ले मिल जाएगी आपको इस लैपटॉप में। और 2018 में तो अभी तक जितने भी लैपटॉप्स आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव डिस्प्ले है इसकी। डिस्प्ले काफी ब्राइट है इसका, विंग एंगल्स बहुत ही अच्छे हैं, और जो कलर कंट्रास्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। प्लस इसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलेगा, और ये एक बहुत ही अच्छा सा इनोवेशन है। डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, और साथ ही साथ जो लैपटॉप का डिजाइन है वो भी इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। काफी अच्छा डिजाइन है लैपटॉप का, और काफी स्टर्डी भी है, काफी स्टनिंग ब्यूटी है ये डेल XPS 13। जो इसका पाम रेस्ट है वो भी ग्लास फिनिश के साथ आता है, और बहुत ही सॉफ्ट है और काफी इम्प्रेसिव है। कीबोर्ड की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा उसको स्लिम करने की कोशिश तो नहीं की है डेल ने यहाँ पे, और कुछ जगह पर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, बट डिस्प्ले के साथ काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इस चीज की कंप्लेन करना शायद होगा या नहीं ये मैं अभी नहीं कह सकता। बट हाँ, अगर मैकबुक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका कीबोर्ड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो जरूर है। ट्रैक पैड भी जो है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है मैकबुक की तरह, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होगा जो लोग मैकबुक को यूज करते हैं। जो एक प्लस पॉइंट आपको इस लैपटॉप में और मिलेगा वो ये है कि इस लैपटॉप में आपको 3 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है, फीचर प्रूफ भी हम इसको कह सकते हैं। पोर्ट्स के साथ साथ आपको एक इसमें छोटा सा चार्जिंग इंडिकेटर भी मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि बिना लिड को खोले आप बैटरी देख सकते हैं कि आपकी कितनी चार्ज हो गई है, आपकी बैटरी से मेरा मतलब था लैपटॉप। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको विंडोज हेलो फेस स्कैनर भी इस लैपटॉप में मिल जाता है। डेल XPS 13 वैसे तो एक bezel-less ब्यूटी है, बट थैंकफुली इसमें नॉच नहीं मिलेगी आपको, और इसमें जो कैमरा है वो आपको डिस्प्ले के बॉटम में मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे मी मैक्स की याद दिला देता है। और ऑब्वियसली इसमें आप वीडियो कॉल करना तो पसंद नहीं करेंगे। साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो काफी इम्प्रेसिव साउंड क्वालिटी है, काफी इम्प्रेसिव स्पीकर्स मिलते हैं इस लैपटॉप में, काफी अमेजिंग है। और अगर हम बेस की बात करें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट लैपटॉप के साइज को देखते हुए साउंड क्वालिटी को हम इम्प्रेसिव कह सकते हैं। ये लैपटॉप जितना बाहर से स्टनिंग है उतना ही अंदर से भी है। इसमें आपको 8th जनरेशन का i7 प्रोसेसर मिल जाएगा 16GB रैम के साथ, 512GB की SSD भी आपको इस लैपटॉप में मिलती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी बटरिंग परफॉर्मेंस है, काफी स्मूथ परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की। गेमिंग की बात करें तो ठीक ठाक गेमिंग इस लैपटॉप में हो जाती है, ये एक गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी आपको इस लैपटॉप में नहीं मिलता है गेमिंग, बट फिर भी लैग नहीं करता है गेमिंग डिपार्टमेंट में। और अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी काफी अच्छी है, कंपनी प्रॉमिस करती है 13 आवर्स का बैटरी बैकअप, बट ऑनेस्टली मैं बोलूं तो टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि ये 10 घंटे का बैटरी बैकअप तो बहुत ही आराम से दे देता है, और साथ ही साथ 2 घंटे में ये
फुली चार्ज भी हो जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गैलेक्सी एस 13 जो है काफी हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, स्टनिंग ब्यूटी के साथ आता है, बेजलेस ब्यूटी है, थैंकफुली नॉच नहीं है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छी हैं, जो इसका प्राइस है वो है कुछ थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहूंगा, काफी एक्सपेंसिव है, 1,64,990 रुपीज। बट जो लोग विंडोज लैपटॉप यूज करते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा लैपटॉप है, काफी पोर्टेबल लैपटॉप है ये, तो विंडो लवर्स तो इसको जरूर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक बेजललेस ब्यूटी है, काफी हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है। और जो डेल पैंस हैं वो 1,64,990 रुपीज इस बेजललेस ब्यूटी के लिए खर्च करने में पीछे तो नहीं हटेंगे। काफी अच्छा लैपटॉप है, अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद अपने टेक्निकल सेक्शन में। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद।
दिल वालों की नगरी दिल्ली में अब मिलेंगे दिल्ली। वो कैसे? वो ऐसे, उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली में इंक्लूसिव मैट्रिमोनियल मीट फॉर ऑल एबल्ड एंड डिसेबल्ड। इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनने के लिए आज ही लॉगिन करें www.radioudaan.com, उड़ान मैट्रिमोनियल गैदरिंग पर क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल सबमिट करें। वाओ, फिर तो मैं भी इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनूंगी। सारा जहाँ जरा पास हो वो आसमां, जहाँ चांद आके झाके जब खुलती हो खिड़कियाँ, जहाँ चेहरे पे छींटे पड़े जब ले समंदर करवटें, जहाँ सब हो अपना ना किराए पे मिले खुशियाँ, हो गुनगुनी सी दोपहर और मखमली शाम हो, ख्वाबों को भी थोड़ा आराम हो। आशियाना आशियाना आशिया ऐसा हो, आशियाना आशियाना आशिया ऐसा हो, आशियाना आशियाना आशिया ऐसा हो, आशिया ऐसा हो। बस फुर्सते हो ना कोई काम हो, टीवी पे पिक्चर चल रही हो हाथों में जाम हो, आशियाना आशियाना आशिया ऐसा हो, आशियाना आशियाना आशिया ऐसा हो, आशियाना आशियाना आशिया ऐसा हो।
अरे जाती है तो जाने भाई सुबह सुबह करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खमता चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल RADIO UDAAN। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। और अब वक्त है टेक न्यूज का, तो चलिए बढ़ते हैं टेक न्यूज की तरफ। और जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है 2018 के क्वार्टरली रिपोर्ट्स के बारे में, और वो ये है कि इंडिया में 30 मिलियन से भी ज्यादा मोबाइल फोन यूनिट्स जो हैं वो शिफ्ट हुई हैं। शाओमी आता है नंबर वन पोजीशन पे जिसका मार्केट शेयर है 30.3% का। उसके बाद सैमसंग का नंबर आता है जिसने मार्केट शेयर लिया है 25.1% का। उसके बाद थर्ड नंबर पे ओप्पो, फोर्थ नंबर पे वीवो, और फिफ्थ नंबर पे नाम आता है ऑनर 9 लाइट का। अगर हम 4G फीचर्ड फोन की बात करें तो उसमें जियो का अभी भी दबदबा कायम है, और जियो का मार्केट शेयर अराउंड 38% है, और अभी भी जियो मार्केट में धूम मचाया है क्योंकि फीचर्ड 4G फोन में इससे बेटर फोन कोई और अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है HSBC और डच की बैंक की तरफ से। इन्होंने वर्ल्ड का पहला जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला ट्रांजैक्शन है वो कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, और इसमें पहले 5 से 10 दिन लग जाते थे, लेकिन यहाँ बैंक के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में ट्रांजेक्शन हो जाती है, जहां पहले 5 से 10 दिन लग जाते थे, और फ्रॉड्स भी यहां पे बहुत कम होंगे। आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, और हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi का Mi S2 वो लॉन्च हो रहा है 7 जून को। कंपनी ने इसकी डेट जो है वो कन्फर्म कर दी है, और साथ ही साथ 23 मई को चाइना में लॉन्च हो रहा है इनका Mi 7। इसके अलावा क्योंकि Xiaomi की 8th एनिवर्सरी है तो शायद वो Mi 8 नाम का फोन भी लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि सिरिन फिनी नाम का एक मोबाइल फोन लॉन्च हो चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसने ये फोन लॉन्च कर दिया है, और इसमें आपको इनबिल्ट डिजिटल वॉलेट मिलेगा जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 6GB रैम वाला ये फोन है, फुल व्यू स्क्रीन वाला फोन है, और इसमें साथ स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर भी आपको मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो है 67,000 रुपीज, और अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये ग्लोबली कब लॉन्च होगा। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मोटरोला की तरफ से, और मोटरोला बहुत जल्दी बजट फोन में अपनी सी सीरीज लॉन्च करने वाला है, और ये बिल्कुल भी फुल व्यू डिस्प्ले वाले फोन नहीं होंगे। अरे यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मोटरोला यहाँ कर क्या रहा है। पहले ई सीरीज निकाली, फिर जी सीरीज के अभी कुछ फोन्स निकाले जो कि बिल्कुल भी मजा नहीं आया, प्राइस बहुत ज्यादा थी उनकी, और अब ये सी सीरीज। तो देखते हैं क्या करता है मोटरोला। मोटरोला आजकल फिर से गड़बड़ वाले काम करने लग गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रहा है एप्पल वॉच की तरफ से। एक बार फिर एप्पल वॉच ने एक पर्सन की जान बचाई है हांगकांग में। वो चर्च में बैठे थे और वहां उनको एप्पल वॉच पर नोटिफिकेशन आया कि उनके हार्ट की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। वो सीधा डॉक्टर के पास गए और वहां पे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई की गई और उनका ट्रीटमेंट किया गया, और इस तरह से उनकी जान बचाई गई। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है क्वालकॉम की तरफ से। जो क्वालकॉम की नई चिप आ रही है स्मार्ट वॉचेस के लिए 3100 चिप, उसमें कुछ आई ट्रैकिंग फीचर इनबिल्ट करने वाला है क्वालकॉम, और आपके जो आई का प्यूपिल होता है उसके थ्रू जो है आपकी जो वॉच है वो अनलॉक होगी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है लिनोवो की तरफ से। लिनोवो ने 2016 के आसपास एक ट्राइफोल्ड डिस्प्ले का पेटेंट फाइल किया था, और वो अब अप्रूव्ड हो गया। हो सकता है कि 2018 के एंड में एक ट्रिपल डिस्प्ले वाला लैपटॉप आए, और ये काफी अच्छी बात है। अब आपको ट्रिपल डिस्प्ले वाला लैपटॉप भी मिल जाएगा जिसमें आप प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे से दे पाएंगे, साथ ही साथ
गेमिंग का और भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो पाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एप्पल की तरफ से एक बार फिर से, और एप्पल का S2 ये रूमर्स थे कि मई या जून में लॉन्च होने वाला है, बट अब ये पता चल रहा है कि ये सितंबर में ही लॉन्च होगा। ये भी एक नॉच वाला फोन होगा और जिसका डिस्प्ले साइज होगा 6 इंचेस का। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हुआवे की तरफ से, हुआवे का जो सब ब्रांड है ऑनर, उसका ऑनर 10 लॉन्च हो चुका है इंडिया में, जिसका प्राइस है 32,999 रूपए। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का Realme 1 लॉन्च हो गया हुआ है और इसका प्राइस है 14,000 रूपीज, और ये भी Helio B60 प्रोसेसर के साथ आया है और ये अवेलेबल हो जाएगा 25 मई से। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है ऑनर की तरफ से, ऑनर का 7C 22 मई को लॉन्च होने वाला है और इसका जो प्राइस है लगभग 9,000 रूपए के करीब होगा। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑटोमोबाइल्स की नंबर प्लेट्स हैं उसका एक नया फॉर्मेट निकाला है, जो लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उनकी नंबर प्लेट होगी ग्रीन कलर की। नेक्स्ट अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप ने ग्रुप्स के लिए नए अपडेट्स दिए हैं, उनमें से एक अपडेट ये है कि आप डिस्क्रिप्शन को अब और ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे और साथ ही साथ एडमिन के जो राइट्स हैं उनको थोड़ा और बढ़ा दिया, थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे एडमिन की। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है गूगल की तरफ से ही, और गूगल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है मिलिट्री के साथ, और वो है कुछ मिलिट्री ड्रोन प्रोजेक्ट को लेकर जिसका नाम है Mavic 1। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो गूगल के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्विट कर दिया है, 4,000 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो छोड़ रहे हैं कंपनी को, उन्होंने पेटिशन भी साइन की है और ये सब एम्प्लॉयज नहीं चाहते हैं कि गूगल किसी भी तरह से मिलिट्री के साथ एसोसिएट हो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में। और ये देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली गूगल करना क्या चाहता है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या प्रोजेक्ट है ये जो ये पेंटागन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि उनके एम्प्लॉयज नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह के मिलिट्री प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करें। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से, फेसबुक ने एक यूथ पोर्टल बनाया है टीनएजर्स के लिए, जहां पे उनको सिखाया जाएगा डेटा शेयरिंग के बारे में और बताया जाएगा कुछ प्राइवेसी टिप्स को लेकर। बेसिकली उन्होंने अवेयर करने के लिए टीनएजर्स को ये पोर्टल बनाया, और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि जब से ये एलिगेशंस लगे हैं फेसबुक पर डेटा लीकेज के, तब से थोड़ा सा अलर्ट होता जा रहा है फेसबुक और कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से किसी भी तरह से उसे इन चीजों से कैसे वो बचे। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सरफेस हब 2 लॉन्च कर दिया है। सरफेस हब जो है वो एक 55 इंचेस का एक डिस्प्ले था जो ऑफिस में यूज होता है और काम आता है प्रेजेंटेशंस के लिए, वीडियो कॉलिंग्स के लिए। बेसिकली ये एक कमर्शियल डिवाइस है और ऑफिस वगैरह के लिए यूज में आता है, और माइक्रोसॉफ्ट ने एडमिट किया है कि उसने कुल मिलाकर जो सरफेस हब 1 था उसकी 5,000 यूनिट्स बेची थी, और अब वो सरफेस हब 2 लेकर आ गए हैं। और ये जो डिवाइस है ये विंडोज 10 पावर्ड है और ऑफिस के लिए काफी यूजफुल डिवाइस है। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है आपके कपड़ों को लेकर, और एक ऐसी रिसर्च चल रही है कि आप अपने कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट फैब्रिक्स पर रिसर्च चल रही है और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें आप सुबह अगर आपने कोई ब्लू कलर का शर्ट पहना है तो शाम को आप उसको रेड कलर का बना सकते हैं। कोई ऐसा ऐप बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा स्मार्ट फैब्रिक के साथ, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो आपके कपड़ों का कलर हो जाए चेंज। कुछ इंटरेस्टिंग सा अपडेट है ये और एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च है, देखते हैं आगे चलकर रियलिटी बन पाता है या नहीं। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है गूगल वन प्रोग्राम को लेकर, और जो गूगल ड्राइव के पेड प्लान्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उनके जो प्राइसेस हैं वो भी कुछ कम किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कभी पेड प्लान्स लेते हैं या सिर्फ जो फ्री स्टोरेज मिलती है उसी को आप यूज करते हैं, ये जरूर बताइएगा मुझे। ये आप बताना मुझे मेरे फेसबुक पेज पर कि आप ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव में से क्या यूज करते हैं और पेड प्लान्स लेते हैं क्या। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है वीवो के X21
आई को लेकर जो लॉन्च हो चुका है और इंडिया में काफी जल्दी आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फोन है बट ये आता है हीलियो के P60 के साथ और इसका प्राइस है अराउंड 28,000 रुपए। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एक माइक्रो थर्मोमीटर को लेकर। ये ऐसा हीट सोर्स है जो जरा से बिल्कुल हल्के से चेंज को भी टेम्परेचर में मेजर कर सकता है और देखते हैं कि आगे चलकर ये कहाँ कहाँ काम आता है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसको बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे आगे चलकर काम करता है और कहाँ कहाँ यूज होगा। आज के शो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को रात को 9 बजे फिर से एक बार गैजेट कैफे में ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई कमेंट आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं उसे गैजेट कैफे विद राहुल फेसबुक पेज पर। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। आपके फीडबैक्स ही होते हैं जिसके थ्रू हम अपने शोज में इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल गैजेट कैफे विद राहुल को भी सब्सक्राइब कीजिए जहां पर आपको शोज देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ नए नए कुछ टेक्नोलॉजीज पर वीडियोस भी हम लेकर आते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं और होती भी हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए गैजेट कैफे विद राहुल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के शो में इतना ही, टाटा गुड बाय, टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun.
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है। तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G, ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G 3G है, तो हुआ ना 6G। ओ शट अप यार। For more info, log on to www.radioudaan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udaan, a flight of life. Yeah.